सत श्री अकाल जी सारिआं नूं राहत इंस्टीट्यूट दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते तुहाडा सब दा स्वागत है। मैनूं उम्मीद है तुसीं जिथे भी होगे ठीक ठाक होगे। जिद्दां कि तुसीं देखिआ ही है कि अज रिलीज़ कर दिता गया PSSB द्वारा PSSB दीआं टाइपिंग इंस्ट्रक्शनस जो पोस्टां क्लर्क दीआं आईआं होईआं सी उहदे लई। तां पूरी टीम साडी बच्चां दी रिटन एग्जाम प्लस टाइपिंग एग्जाम के लिए पूरी जदोजहद कर रही है। और थानू पता ही है कि PSSB टाइपिंग के लिए 19 तरीक नूं 11 बजे असी एक टैसट रखे है जिस दी कोई चार्जिज नहीं लै जाएंगे तो वह तुहाडे लिए होएगा निःशुल्क होणगे। तो अगे गल करते हाँ आपां PSSB दे जो इंस्ट्रक्शन दे लई इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ने जो कि क्लर्क एग्जाम दे जो होया सी उहदे लई बड़ी बेसब्री नाल इंतजार कर रहे सी लंबे समय तो रिजल्ट आने तो बाद हजे तकन टाइपिंग नहीं लई जा रही सी। तो टाइपिंग PSSB क्लर्क IT क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क ये तिना दे लई टाइपिंग होनी है और इन दियां बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रक्शनज ने। और इहदे विच एक सब तो बेस्ट इंस्ट्रक्शन जो कि मैनू भी वधिया लगी और तुहानू भी वधिया लगेगी और ये इंस्ट्रक्शन जरूर सुनना और इस वीडियो दे विच ही होएगी। तो लैट्स स्टार्ट कि आज दे इंस्ट्रक्शन की ने PSSB वालों। हाँ जी कहिंदा जनरल इंस्ट्रक्शन दे विच टाइपिंग टैसट विल बी कंडक्टड फ्रॉम 22 जुलाई 22 जुलाई तो शुरू होएगा। इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड जो भी एडमिट कार्ड आएंगे वो इस साइट पर ही मिलेंगे तुहानू। पंजाबी ते इंग्लिश दी टाइपिंग होएगी और इस टैसट नूं कंडक्ट किया जाएगा कंप्यूटर टैसट जिहड़ा होएगा और एक सॉफ्टवेयर दे राही होएगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर होएगा। टाइपिंग टैसट विल बी एवेलुएट बाय द सॉफ्टवेयर एंड रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इंस्टेंटली। मतलब कि इंस्टेंटली नालों नाल रिजल्ट आएगा ऑल टाइपिंग एरर वगैरह जो भी ने तुहाडे हाथ विच आउणगे। ठीक है जी। द कैंडिडेट विल बी हैव टू टाइप पंजाबी पैसेज जोड़ा होना है तुहानू पता है यूनिकोड रावी फोंट दे विच होना है जो इनस्क्रिप्ट होएगी कीबोर्ड रावी फोंट दे विच होएगा। पहला हुंदा सी एक होर फोंट असीस फोंट हुंदा सीगा पर इस बार और पिछले कुछ सालों तो 7 सालों तो रावी फोंट तो ही चल रहा है। तो रावी फोंट सब ने तैयारी की हुई है। पंजाबी पैसेज विल बी कंपोज फ्रॉम करैक्टर टेकन फ्रॉम गुरमुखी अल्फाबैट्स कड़े ने उड़ा अड़ा ईडी गुरमुखी एंड इंग्लिश नंबरस एंड पंचुएशंस मार्क्स। इन तुहानू पंचुएशंस की होंगे ने कोमा कोलम सैमीकोलन ठीक है जी डॉट क्वेश्चन मार्क ये सारे साडे कोल पंचुएशंस है ने ये सारे यूज़ होंगे। द कैंडिडेट आर supposed to type the text exactly as provided in the question। ठीक है जी question जो पैसेज दिता गया होगा उनके ही उनके अकॉर्डिंग ही सारा होएगा। क्लीयर है। अगे चलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द पंजाबी एंड इंग्लिश टाइपिंग टैसट जी ड्यूरेशन होएगी टाइम होएगा 10 मिनट का। देखो 10 मिनट का होएगा फिर 5 मिनट की ब्रेक होएगी फिर 10 मिनट का पैसेज होएगा। पहला पंजाबी का होएगा फिर इंग्लिश का टैसट होएगा। क्लीयर है। टाइम इंटरवल जिहड़ा हैगा वो 5 मिनट का हैगा मैं जिवें कि दस चुकिया तुहानू। प्रोवाइडेड बिटवीन बोथ लैंगुएजेस टैसट टू क्लीयर द टैसट। लो जी इंपोर्टेंट है कि कहिंदा टैसट क्लीयर करन दे लई मिनीमम ग्रोस टाइपिंग स्पीड जिहड़ी चाहिए वो 30 की चाहिए है। ग्रोस टाइपिंग स्पीड GTS चाहिए है सानू 30 वर्ड्स चाहिए ने पंजाबी दे लई और 30 ही चाहिए ने इंग्लिश दे लई। मैक्सिमम जिहड़ियां तुसीं गलतियां कर सकते हो 8% है। जेकर 91% तुहाडी एक्यूरेसी आंदी इट मीनस कि किसी टाइपिंग करन दा फायदा नहीं है। 8% और मैनू लगता है कि जिद्दां तुसीं तैयारी कर रहे हो 98-99% जिहड़ी एक्यूरेसी मार रहे हो जदोजहद पूरी कर रहे हो और जिहड़े नहीं कर रहे उन्हां कोल हजे भी वक्त हैगा अपनियां गलतियां नूं सुधारन दा और एक्यूरेसी दे ध्यान रखना है। जेकर तुहाडी स्पीड 40+ है तुसीं स्पीड ते ना जायो। जेकर तुहाडी 40-42-45 दी स्पीड बन गई है एक्यूरेसी दे उत्ते ध्यान रखियो। ठीक है जी। तो 8% जिहड़ियां मिसटेक्स हैगियां ने वो तुहानू माफ़ हैगियां ने। 92% एक्यूरेसी होनी चाहिए है। प्रोपर केयर हैज़ बीन टेकन फोर स्पेस कहिंदा स्पेस दे उत्ते खास करके ध्यान दिता जाए टाइपिंग पंक्चुएशन मार्क्स रोंग स्पेस ऑफ द पंक्चुएशन मार्क विल बी ट्रीटड एज ए स्पेस एरर
एक स्पेस एरर दिता गया है जो जेकर तुसी फर्ज करो कि ये एरर दे रहे हो एज और रोंग इकट्ठा कर देंदे हो या फिर एज रोंग दे विच दो दो स्पेस दे देंदे हो या फिर एक कंप्लीट वर्ड है जिदा कंप्लीट वर्ड है कम अलग लिख देंदे हो प्लीट अलग लिख देंदे हो तो इनका अद्धा अद्धा जिहड़ा है हाफ जिहड़ा है वह तुहाडा एरर काउंट किया जाएगा फुल नहीं किया जाएगा हाफ किया जाएगा। फोर पंजाबी लगा मात्रा पंजाबी लगा मात्रा जिहड़ियां हुंदियां ने जिहड़ियां जिन्नियां भी हुंदियां ने सिहारी बिहारी ठीक है जी ते होर हाफ करैक्टर्स वगैरह जिहड़े हैगे ने टू बी टाइप्ड एट ए प्रोपर पोजिशन इफ एनी सच करैक्टर इज ओमिटड और ए एडिशनल करैक्टर आर एडेड द वर्ड दैन द कंप्लीट वर्ड विल बी ट्रीटड एज रोंग। कहिंदा जेकर तुसीं लगा मात्रा दे विच गलतियां करदे हो ठीक है जी और हाफ करैक्टर जिहड़ा हा जिड जिदा कि पैर च हाहा पैर च वव्वा पैर च रारा ठीक है जी इहदी गलती करदे हो तां इस टाइम इस दे उत्ते तुहाडे जिहड़ा वर्ड पूरा पूरा गलत होएगा। ऐदा नहीं है कि जिदा स्पेस की तरह हाफ सिर्फ स्पेस दे टाइम दे विच तुहाडा हाफ एरर मन्निया जाएगा बाकी जिहड़ा हैगा फुल एरर मन्निया जाएगा। नैक्सट जिहड़ी है सम ऑफ द कीज ऑफ कीबोर्ड विच आर नॉट रेलीवेंट कोई रेलीवेंट नहीं हैं कोई जरूरतमंद नहीं हैं जरूरी नहीं हैं टू द टाइपिंग टैसट सॉफ्टवेयर वुड रिमेन नॉन फंक्शन ड्यूरिंग द टाइपिंग टैसट। देखो टाइपिंग टैसट के जिदा तुम कुछ वर्ड्स है फंक्शनल कीज़ है ने वो तोड़िया लॉक कीतियाँ होनगियाँ वो कोई कम नहीं आनगियाँ किसी तरह दी भी ठीक है जी और ना ही थोड़ी वो प्रेस हो पागी सॉफ्टवेयर के सैटिंग इस तरह की की होएगी। द लॉगिन डिटेल्स देखो जो तुम लॉगिन करना है तो यूजर नेम पासवर्ड तुम्हें उतो मिल जाएगा विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडीडेट्स एंड स्टार्टिंग द एग्जाम टू एक्सैस द टाइपिंग टैसट एप्लीकेशन और यहाँ यूजर नेम पासवर्ड थोड़े जो जो भी ओपन करोगे तुम तो होएगा जोड़ा इंटरफेस होएगा टाइपिंग इंटरफेस होएगा सॉफ्टवेयर होगा उस टाइम ही यूज़ करना होगा उत्थे ही मिलेगा। कैंडिडेट इज सुजैसटड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली अपीयरिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एट द टाइम ऑफ टाइपिंग कहिंदा कैंडिडेट्स ये वालिया इंस्ट्रक्शन पूरे ध्यानपूर्वक वरतों में लियाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन के कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द टाइम एग्जामीनेशन सेंटर विल बिफोर वैल बिफोर द टाइम प्रिस्क्राइब इन द एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड जो मिलेगा जो टाइमिंग अद्धा घंटा पौना घंटा एक घंटा जो भी भेज दिता होगा उस तरह समय तो पहला पहुँचना होगा जरूरी भी है वह भी अपनी अच्छे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फाइनल रिजल्ट विल बी अनाउंसड ऑन द वैबसाइट देखो जो फाइनल रिजल्ट आना है एक तो तुम्हें उत्थे रिजल्ट मिल जाना है बाकी जो फाइनल रिजल्ट आना है वह वैबसाइट पर ही मिलेगा और वीक दे एक हफ्ते दे विच मिल जाएगा। नाउ द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड विद गुड क्वालिटी कीबोर्ड अच्छा जेडी मैं तुहानू गल करन जा रहा हाँ बड़ी ही वधिया बड़ी ही अच्छी तुहाडे लई कहिंदा है कि कीबोर्ड तुहानू बहुत ही वधिया क्वालिटी दे दित्ते जाणगे नाल दी नाल एक होर है फॉर द टाइपिंग दे हैव द फ्लैक्सीबल ऑफ टाइपिंग ऑन देयर ऑन कीबोर्ड्स ठीक है जी वह इंज ही होणगे जिदा कि तुहाडे अपने फ्लैक्सीबल कीबोर्ड्स हैगे ने कहिंदा ऑल कैंडीडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देखो आह वाली लाइन तुहाडे लई सब तो महत्वपूर्ण लाइन है ये वाली लाइन ऑल कैंडीडेट जिन्हें भी कैंडीडेट्स है वह कहते हैं कि अपने नाल एक अपना USB वाला तार वाला जिहड़ी तार लगी होंगी USB वाला जिहड़ा है वह लिया सकते हैं कीबोर्ड ठीक है जी जिंदी तार होंगी है वायरलैस नहीं ब्लूटूथ नहीं तो वह अपने कीबोर्ड लिया जा लैके जा सकते हैं। वार बार मैं दस रहा कि अपना कीबोर्ड तुसीं कैरी कर सकते हो नाल और उत्थे यूज़ कर सकते हो फॉर द टाइपिंग टैसट ऑल अदर को कीबोर्ड्स ऑफ टाइपिंग PS2 वायरलैस ब्लूटूथ ये जड़े है नहीं चलेंगे तुसीं ये नहीं लैके जाना बड़ी वधिया गल है कि साढ़े देखो असी अपने हत्थों से जो कीबोर्ड चलाए हुए हैं कोई डैल का यूज़ कर रहा है कोई एसर का यूज़ कर रहा है कोई केड़ा यूज़ कर रहा है तो जेडे भी कर रहा तुसी अपना कीबोर्ड वधिया कीबोर्ड ले जा सकते हो जिन्हें प्रैक्टिस कर रहे हो तो बड़ा वधिया होएगा ठीक है जी। उनकी वजह यह कि बैक स्पेस किधरे छोटा दिता है किधरे वड्डा बैक स्पेस दिता है किधरे किसी जगह पर कीबोर्ड दे जड़े बटनस ने वो नीचे ने बिल्कुल मैट की तरह कीबोर्ड है और कोई जड़ा है अक्षर या कीबोर्ड कीज़ जड़िया ने उपर उठिया हुई ने तो तुहाडे लई एक बड़ी वधिया खबर है कि USB कीबोर्ड तुसीं अपना यूज़ कर सकते हो अपना ना लैके जा सकते हो मैं वार बार कह रहा हाँ ठीक है जी। तो और SSSB ने गाइडलाइनस दी है
अगेन टाइपिंग स्पीड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन की ने कहता डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, कहता डेफिनेशन ऑफ द वर्ड की हैज़ बीन स्टैंडर्डलाइज फाइव करैक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड पंक्चुएशंस। हाँ जी, फाइव करैक्टर्स, पांच करैक्टर्स दे, फर्ज करो कि आ वाला है स्टैंडर्डाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ने, ठीक है जी। तो मतलब की है कि ये तुहाडे दो वर्ड हैगे ने प्लस दो करैक्टर हो गए ने, तो इन्हों मिला के तुहाडा जिन्हें भी बन गए, जिन्हें स्ट्रोक्स बन गए, स्ट्रोक्स बन गए, उन्हें ही तुहाडे जिहड़ा हैगा एक वर्ड काउंट होएगा। तो ये नहीं है कि स्टैंडर्डाइज एक वर्ड है, ठीक है जी। देखो वर्ड और अ एक वर्ड बन जाएगा छोटे छोटे, तो कुल मिला के पांच अल्फाबैट्स, पांच करैक्टर्स जिहड़े हैगे ने तुहाडा एक वर्ड काउंट करनगे। द पैसेज गिवन फॉर द टाइपिंग पंजाबी एंड इंग्लिश विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, कहिंदा स्क्रीन दे उपर होएगा। देखो उपरला पोर्शन जिहड़ा होएगा, जिद्दां असीं पंजाब एग्जाम पोर्टल या फिर सक्सैस या कोई होर सक्सैस प्लस या कोई होर साइट तो करते हैं, उपर साढ़े कोल इक डायलॉग बॉक्स बनया हुंदा है जिहदे विच स्क्रीन दे उत्ते चंक दिखाई देंदे ने। देखो उन्होंने गल की, जिहड़ा चंक नज़र आएगा वह तुहानूं तीन लाइनां दे विच हैगा, 1 2 3, मतलब कि तुहानूं इन्नी ज़्यादा नज़र लगाउण दी निगाह लगाउण दी लोड़ नहीं पाएगी कि तुहाडे जिहड़े वर्ड्स हैगे ने जिहड़े तुहाडे काफ़ी बरीक होणगे, तां एक चंक दे विच तीन लाइनां ही होणगियां और वह तीन लाइनां ही तुसीं करनियां ने। एक होर बड़ी वधिया गल है, ठीक है जी। अगे गल करिए तां की है एक्स्ट्रा वर्ड्स जिहड़े हैगे ने, एंड कैंडिडेट हैज़ टू टाइप द मैटर एक्स्ट्रा एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा वर्ड्स नॉट फाउंडड इन द टैक्सट, कहिंदा कि एक्स्ट्रा वर्ड तुसीं नहीं लिखोगे उनका कोई नंबर नहीं मिलना, उल्टा उदा की है मिसटेक्स काउंट होनगियां, बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज ए मिसटेक्स। फर्ज करो कि तुसीं लिखते पियो बी, लिखते विल आलसो बी, ठीक है जी, नाल कुछ होर लिखता, अ लिखता या बीन लिखता या एज एन लिखता, ठीक है, वो एक्सट्रा वर्ड का तुहानू कुछ नहीं मिलना, उल्टा की उदा वो उसदे तुहाडे मार्क्स कटे जाणगे। नैक्सट, ईच चंक, जिहड़ा चंक होएगा ईच चंक ऑफ द टैक्सट विल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 32 to 34 words, 32 to 34 words, इस मीन की है कि तुहाडे लगभग जिहड़ा है 220+ ही जिहड़े वर्ड्स होणगे, जिन्हें भी वर्ड्स होणगे 220 होणगे। वो कहिंदे हैं कि जिहड़े चंक दे विच 32 to 34 words होणगे, एंड देयर विल बी टोटल 10 chunks, जिदा कि पंजाब एग्जाम पोर्टल दे विच 10 chunks होंदे ने, उवें ही 10 chunks होणगे। कैंडिडेट हैज़ टू टाइप ऑल 10 texts, कहिंदा कि 10 दे 10 जिहड़े हैगे ने चंक टैक्सट जिहड़े हैगे ने उह तुहानू पूरे करने पैणगे टू बी एलिजिबल फॉर द क्लीयरिंग द टैसट। कैंडिडेट हू फिनिश टाइपिंग ऑल द 10 text chunks, कहिंदा जेकर तुसीं फर्ज़ करो कि तुसीं 7 मिनट दे विच 10 दे 10 chunk क्लीयर कर जांदे हो, तां तुसीं उत्थे बाद विच इसनूं सही कर सकदे हो, तुहाडियां कोई गलतियां तां नहीं, उसनूं सही कर सकदे हो। तां उहनां ने बड़ी ही वधिया इंस्ट्रक्शन दित्ती है कि तुसीं अपनियां गलतियां नूं, तुहाडे कोल 3 मिनट ने, 2.5 मिनट ने, 4 मिनट ने, तुसीं अपनियां गलतियां नूं सही कर सकदे हो तां कि एक्यूरेसी वधिया तरीके नाल लिया सको। कहिंदा 10 texts जिहड़े हैगे ने ओह टू बी एलिजिबल फॉर द क्लीयरिंग टैसट। कैंडिडेट हू फिनिश द टाइपिंग ऑल द 10 text chunks कैन यूज़ द रिमेनिंग टाइम टू रिमूव मिसटेक्स। देखो बड़ी वधिया एक इंस्ट्रक्शन है कि तुसीं अपनी रिमूव कर सकते हो जो गलतियां कीतियां ने इन द टाइप टैक्सट टू इंप्रूव द टाइपिंग एक्यूरेसी। अच्छा, कि तुसीं 2 chunk तो बाद रिमूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उहदे बारे अगे दसदे हां। हाँ जी, कहिंदा कि आफ्टर 80%, जदों तुसीं 80% टैक्सट, मतलब कि 80% टैक्सट जिहड़े हैगे ने तुसीं कर लैंदे हो चंक दे विच, तो फिर तुसीं जिहड़ा हैगा है एंटर की दबा के, साडे इक एंटर की या एंटर की और डाउन की एरो की टू मूव द नैक्सट चंक, तुसीं नैक्सट चंक दे लई तुसीं कर सकदे हो। हुण की है कि फर्ज़ करो कि तुसीं 8 मतलब कि 8 तुसीं चंक लगा ले, 8 चंक लगा ले, तो तुहाडा एक जिहड़ा ऑटोमैटिक एक्टिव हो जाएगा अप डाउन वाला जिहड़ा तुहाडा एरो है, और तुहाडा नैक्सट अप एरो और डाउन एरो, पेज अप पेज डाउन, ये जिहड़े हैगे ने एक्टिव हो जाणगे, तुसीं इहनूं भी यूज़ कर सकते हो और एरो नूं भी यूज़ कर सकते हो। तो की आ डाउन की और डाउन एरो की टू मूव टू नैक्सट चंक ऑफ टैक्सट, देयर इज़ ए
पेनल्टी फॉर स्किपिंग द वर्ड, जेकर तुसी वर्ड स्किप कर दे उंदी भी पेनल्टी है भाई, ये ध्यान रखना तुसी। सो कैंडिडेट शुड टेक केयर दैट ऑल वर्ड्स गिवन इन द चंक आर टाइप्ड, तो उही लिखने ने जिहड़े टाइप किए ने, आदे मन घड़त कहानियां ना लिखे आ जे। फॉर एडिटिंग द टैक्सट अप एरो, मैं गल की है अप एरो डाउन एरो जिहड़े साडे देखो बिल्कुल कीबोर्ड के उत्ते इत्थे अप एरो बने होंदे ने, तो इत्थे कुछ बने होंदे ने साडे कोल अप डाउन पेजिज़ वाले, वह भी तुसी यूज़ कर सकते हो। दूसरी सब तो वड्डी गल है तुहाडे लई, दूसरी सब तो वड्डी गल, स्पेस नंबर लैटर्स पंक्चुएशन एंड एंटर की आर ऑल काउंटड एज ए करैक्टर। देखो जी उन्होंने एज ए करैक्टर लिया जाएगा, स्पेस नंबर लैटर्स, फर्ज करो कि तुसी लिखिया वर्ड, एक शब्द है वर्ड, तुसी स्पेस काउंट की, एक दो तीन चार और पंजवीं स्पेस, तुहाडे ए काउंट ही होएगा, करैक्टर दे विच ही काउंट होएगा। नंबर लिख दियो, लैटर लिख दियो, पंक्चुएशन कर दियो, पंक्चुएशन कोमा, ठीक है जी, सैमी कोलन, कोलन जो भी कर दियो, वो सारे जड़े के ने तुहाडे एज ए यूज़ होणगे, ठीक है जी। मैं वार बार दस दिया, तुहाडी स्पेस जी है एज ए काउंट की जाएगी करैक्टर दे विच ही। फॉर कैलकुलेटिंग ग्रो स्पीड बट एक्सट्रा स्पेस, जेकर तुसी एक्सट्रा स्पेस देंदे हो, एक्सट्रा एंटर की एंड एनी फंक्शन की सच एज ए शिफ्ट आल्ट बैक स्पेस, इनका नहीं काउंट होएगा। मैं दस दिया जिमें असी कोई आल्ट लगा के आल्ट 0183 लगाते हाँ, तो ये वाला काउंट नहीं होएगा, ये टोटली 0181 आल्ट 0183 एक ही होएगा, क्योंकि असी इनू एज ए फंक्शन की यूज़ किया है, क्लीयर है। तो इन द बैक स्पेस का तुहानू नहीं मिलेगा भी मैं एक वी वारी बैक स्पेस दबाया है, तो मैनू वी वी जड़े है वी डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 5, तो यही मेरे जड़े है वो चार वर्ड बन गए ने, अजिहा कुछ नहीं है, शिफ्ट वगैरह दबाने नाल कुछ नहीं है। अगे सब तो इंपोर्टेंट है फॉर पंजाबी वर्ड, जो तुसी पंजाबी टाइप करोगे ना, उन्दे विच वोवल यूज़ होंदे ने, उड़े नू ओंकड़, उड़े नू दिलैंकड़, आड़े नू दलां, आड़े नू कन्ना, एक्सैक्ट्रा, कॉन्सोनेंट कक्का खक्खा गग्गा कग्गा, ठीक है जी। इन्हां दे नाल देखो उड़े नू कन्ना ये चीज़ां जिहड़ी ने, अधक बिंदी टिप्पी हाफ करैक्टर एंड बिंदी करैक्टर, आ जिहड़े बिंदियां लगियां होईयां ने, आर ऑल ट्रीटड एज ए सिंगल करैक्टर। तुसी सस्सा पाया नाल बिंदी पाती, ठीक है ना, सस्सा पाया बिंदी पाती, शिफ्ट दबा के तुहाडा राइट हैंड साइड ते जिहड़े चीची नाल दबांदे हो सस्से पैर बिंदी पाती, वो एक ही काउंट होएगा, चाहे तुसी सस्से पैर बिंदी शिफ्ट दबा के कर लो, चाहे ये कर लो, तुहाडा एक ही काउंट होना है। चाहे उड़ा देखो उड़ा पा के उड़े नूं औंकड़ नहीं पाएगी, वो गलत हो जाएगा, उड़े दे औंकड़, उड़े दे दुड़ौंकड़, ये साढ़े कोल ऑलरेडी शिफ्ट नाल कीज़ हैगियां ने, तो असी यही चलानियां ने, क्लीयर है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਸੋਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸਾ ਹੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੱਜਾ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜਾ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਸੱਸਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆਸਰਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਸੱਸਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਰਾਰਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰ ਵਰਡਸ, ਐੜਾ ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਇਲ ਦਾ ਵਰਡ ਸ਼੍ਰੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਔਰ ਸਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਥ੍ਰੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਫੋਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵੋਵਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਈਪਡ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੋਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਰੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਮਾਤਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਦਸ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਟਾਈਪਡ ਐਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਐਡਾ ਐਡੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਔਂਕੜ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ, ਆਹ ਸ਼ਿਫਟ ਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਊੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਊੜਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਐਡੇ ਨਾਲ ਏ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਡੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਡੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਡਬਲਯੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਡੇ ਨੂੰ ਕਨੋੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਊ ਨਾਲ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਐਫ ਨਾਲ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ध्यान च रखना है, नॉट एक्सेप्टेबल, ये कॉम्बीनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रोंग है और ये राइट हैगा है। इस इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड की जड़ियाँ है ने आप यूज़ करनी ने कॉम्बीनेशन दे विच। अगे आ गया कैलकुलेशन ऑफ द एरर्स, एरर्स नू कैलकुलेशन करन दे ली ओमिशन ऑफ एनी वर्ड्स, कोई किथे किथे मनाई हैगी मना है उत्थे नहीं चलाना, समिशन ऑफ एनी रोंग वर्ड, सानू रोंग वर्ड नहीं टाइप करना असी, एडिशन ऑफ एनी रोंग एक्सट्रा वर्ड, कोई असी एक्सट्रा वर्ड नहीं जो पैसेज दे विच दिता हुई लिखना वो मन घटत नहीं लिखने। हाफ मिसटेक किन्दे विच मिलेगी तुहानू, स्पेसिंग एरर, सिर्फ स्पेस एरर दे विच जां तां स्पेस देंदे पे हो जां स्पेस नहीं देंदे हो, जिवें कि एक्सट्रा स्पेस एक शब्द है एक्सट्रा स्पेस, इहदे विच तुसीं इकट्ठा ही लिख देंदे हो एक्सट्रा स्पेस, तां इह तुहाडा अद्धा नंबर काउंट नहीं अद्धा मिसटेक काउंट हो जाएगी। जे तुसीं लिख देंदे हो स्पेस स्पेस दो वारी स्पेस पा देंदे हो तां वी तुहाडा जिहड़ा एक्सट्रा स्पेस दे लई वी हाफ मिसटेक मन्नी जाएगी। नैक्सट हैगा है टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी परसेंटेज आर कैलकुलेटेड एज ए फॉलोइंग, ग्रॉस करैक्टर टोटल नंबर, ये तुहानू पता ही है स्पीड किदां होएगी सारा कुछ, ये आ सारा फार्मूला है। और पंजाबी च कहावत है सौ वलावें सिरे ते गंढ, एक जिहड़ी आ गल हैगी है कि 10 मिनट के जेकर तुसी 298 वर्ड लिखते हो तो इहदा मतलब यह नहीं है कि तुहाडी 29.8 की स्पीड होगी, इत्थे 29 ही ग्रो स्पीड काउंट की जाएगी। तुसी कहोगे सर मैथ दे विच हुंदा है कि 5 दे उपर पॉइंट तो बाद जेकर 5 तो प्लस हुंदा है 6 होएगा तो उन्हूं एज ए 30 काउंट किया जाएगा, ऐदा नहीं है, 29 नहीं काउंट किया जाएगा उन्हूं, 29.8 काउंट नहीं किया जाएगा उन्हूं, 29 काउंट किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है बड़ा ही तरीके दे नाल, बड़े ही ध्यान देना। अगे फॉर द इनकोरैक्ट वर्ड, जेकर तुहाडा इनकोरैक्ट वर्ड हुंदा एक्सट्रा करैक्टर्स टाइप्ड विच आर मोर दैन द लेंथ ऑफ द रेफरेंस वर्ड इज इग्नोर द डिटरमाइनिंग द ग्रो स्पीड, एग्जाम्पल के तौर पर यूनीवर्सिटी लिख दो तो यूनीवर्टी लिख देंगे हो, दैन द करैक्टर टाइप विल बी 6, कहिंदा भी ये सिर्फ 2, 3, 3, 6 करैक्टर ही काउंट किए जाएंगे और गलती अलग तो जी काउंट करे, करैक्टर तो काउंट हो जाएंगे पर गलती भी काउंट होएगी। फॉर द ग्रो स्पीड, बट इफ द यूजर टाइप्स यूनिवर्सिटीज एक्सट्रा वाई की जगह पर ई एस लिख देता है दैन कहता भी वो तुम 10 जोड़े वर्ड लिखने से उत्थे लिखते 12 वर्ड लिखते, इस मामले के वे 10 ही काउंट किए जाएंगे, जेडे 2 की गलती मनी जाएगी 10 करैक्टर जड़े काउंट किए जाएंगे। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखना 10 करैक्टर, जेकर तुम एक वर्ड के 10 करैक्टर लिखे ने तुम 12 लिख देंगे हो तो 12 नहीं काउंट किए जाएंगे, 12 नहीं काउंट किए जाएंगे, और 12 जड़े वो 10 काउंट किए जाएंगे, जेडे 2 एक्सट्रा लिखे गए उनकी गलती मनी जाएगी, वो तुहाडे एरर करैक्टर के आ जाएंगे। और सब तो वड्डी गल मैं वार वार दस दें कि साड़ी की सीगी, वो सी कि तुसी अपना USB कीबोर्ड लिजा सकते हो, USB कीबोर्ड लिजा सकते हो। ठीक है जी, और मैनू उम्मीद है कि तुसी समझ गए होगे सारे इंस्ट्रक्शन नू, जेकर नहीं पता लग्या तो तुसी दोबारा फिर वीडियो नू देख सकते हो, और थैंक यू। और एक सब तो जरूरी गल है कि असी एक फाजिलका ब्रांच बीकानेरी रोड साडा जिहड़ा राहत इंस्टीट्यूट है, राहत इंस्टीट्यूट दे विच इक टाइपिंग टेस्ट ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, और वो टेस्ट जिहड़ा है दूर दूर तो बच्चे देन आ रहे हैं, टाइमिंग 11 बजे की रखी है क्योंकि दूर तो लोगों ने आना है, बच्चों ने आना है, 11 बजे की टाइपिंग है, और P SSS B के प्रोपर तरीके दे नाल करवावांगे, और इस दी कोई फीस नहीं है, नो फी कोई फीस नहीं है, विदाउट एनी चार्जेस असी टेस्ट लै रहे हैं, जिंदे विच 10 मिनट दी इंग्लिश और 10 मिनट दा पंजाबी और 5 मिनट दे विच ब्रेक होएगी, और बड़ा P SSS B दे अकॉर्डिंग है। हाँ जी, तरीक दी गल करिए तां तरीक है 19 जुलाई 2022 सवेर दे 11 AM नू जिहड़ा होना है ये टेस्ट होना है, और बड़े वधिया तरीके नाल लिया जाना है, दूर दूर तो बच्चे आएंगे ये टेस्ट देने दे लई, और जेकर तुसी वीडियो नू अज देख रहे हो तो जरूर पहुँचना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।